नमस्कार किशन भाइयों, जय मा श्यामली। और आज लेके आए हैं एक नया थ्रेसर, नया वीडियो लेके आए हैं और आज जानेंगे इसके प्रोसेसिंग के बारे में, जैसे कि चलाती कैसी है और कौन कौन सा चीज़ चाहिए होता है वो बताएंगे। चलो दिखाती है। ये रहा फोर फैन, ये 35 HP के ऊपर कोई भी ट्रैक्टर ये चला सकता है। और ये चलाने के टाइम में है, लोड गियर जरूरी है। और चलाने के बाद पहले तो नया लेने से आप लोग पहले ग्रीस पॉइंट जितना भी है, ये भी ग्रीस पॉइंट सब ग्रीसिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि ग्रीस थोड़ा कम आता है। तो हम लोग पहले से ये सब ग्रीसिंग कर दिए हैं। और ये सब एलेजन में भी सही नहीं रहता, ये सब एलेजन करना पड़ता है, आप लोग को सब बता रहे हैं। और ये सब, ये भी देखिए, ये भी 2 इंच रहता है, मतलब एडजस्टमेंट, ये हवा जो आता है। और ये 3-3 इंच रहेगा, ये सब, ये भी आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखो, जैसे कि देख रहे हो 3 इंच 2 इंच के रहने से सही रहेगा। और चलाने के टाइम में ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि धान लगाने साइड में ड्रिंक मत क्या करो, ये सब ध्यान देना है। एकदम सही है, एक भी धान नहीं जा रहा है, धान बिल्कुल सफा है। ठीक हो जाने, एकदम सही है, एक भी धान नहीं जा रहा है। ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि उसे धान लगाना फिर से अब लोग निशा पानी मत क्या करो, और जब तक मशीन बंद ना हो, कहीं किस तरफ उधर छूना मत, जब तक बंद ना हो तब तक किसी को चीज में हाथ लगाना मत। देखिए ये सब धान बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, एकदम सही है, एक भी कूटा नहीं, एकदम एक भी पोल भी नहीं है, जैसे पाल की तरफ जैसे धान भी नहीं जा रहा है, एकदम सही भी आया है। ये ये 575 ट्रैक्टर में चल रहा है, आप भी किसी ट्रैक्टर 35 HP के ऊपर किसी भी ट्रैक्टर में चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलाने के टाइम में लड़के देना जरूरी है, लड़के इसीलिए देते हैं, मतलब साउंड का सही रहता है, स्मूथ चलता है, प्लस बना रहता है, इसीलिए लोड गियर देना चाहिए। बिना लोड गियर दोगे तो गाड़ी को लोड आएगा, इसीलिए आप लोग को बोल रहा हूँ कि लोड गियर देना जरूरी है।